हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल भटनागर। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना स्पेशल पर्पस बुक वन को कंटिन्यू करेंगे। आज हम कैश बुक, सिंपल कैश बुक की एक इलस्ट्रेशंस करते हैं, जिसको मैंने TS ग्रेवाल की बुक से लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है और पेज नंबर 10.7 पे ही आपको दी हुई है। आपके पास ये वाली बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और इनकेस नहीं भी है तो मैं इलस्ट्रेशंस को पढ़ता जाऊँगा, आपको समझाता जाऊँगा, हर ट्रांजेक्शन्स को आराम से पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, बोर्ड पे करूंगा, और इसका एक शॉट आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा क्वेश्चन का। तो अब हम ये इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने परफॉर्मा बनाया हुआ है, सिंपल कैश बुक का बनाया है, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है कैश कॉलम, बाकी पर्टिकुलर्स और डेट का है। ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई। इसके जो स्टेप्स हैं, हम इलस्ट्रेशंस को पढ़ते जाएंगे और साथ साथ बताता जाऊंगा स्टेप्स क्या हैं। तो अभी हम पहले इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, फिर साथ साथ हम एंट्री करेंगे और आपको समझाता भी जाऊंगा। प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ अमिताभ ऑफ चेन्नई। 2018 अप्रैल 1st, कैश इन हैंड 25,000। कैश दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड 25,000। 2018 की सब ट्रांजैक्शंस हैं अप्रैल 1st। 2 लिखेंगे डेबिट साइड में, जैसे हम लेजर अकाउंट में लिखते थे, इसी तरह हम यहां पे लिखेंगे 2 बैलेंस BD, क्योंकि हमको कैश इन हैंड दिया हुआ है। इट मींस कि ये जो कैश है 25,000 रुपया, ये मार्च के महीने का कैरेट डाउन है जो अप्रैल के महीने में हुआ है, तो हमने इसको कैश इन हैंड को 2 बैलेंस BD लिखा। अब फॉर एग्जांपल अगर वो लिखते कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000, तब आप क्या लिखते? तब हम इसकी जगह लिखते कैपिटल, 2 कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्रीज बना रहे होते तो हम लिखते कैश अकाउंट डेबिट, ये बनाते 2 कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपये से, बनाते ऐसी जनरल एंट्री हम। इस केस में तो आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड। अगर ये लिखा होता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तब हम यहाँ लिखते इसकी जगह कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। क्यों लिखते? इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वही आप यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब हम दूसरी एंट्री करते हैं। अप्रैल 2nd की डेट में कैश सेल्स इंक्लूडिंग CGST और SGST 6%, 2,46,400। स्टूडेंट्स, सेल है हमारी 2,46,400 की सेल है, कैश सेल। इसके अंदर इंक्लूड हुआ है CGST और SGST 6% ईच। तो इट मीन्स ये जो सेल है कितने को रिप्रेजेंट करती है? ये सेल रिप्रेजेंट करती है 112 को, 100% प्लस में 6% प्लस में 6%, 112 को रिप्रेजेंट करती है। तो आप निकालेंगे 112 को कर रही है तो 100 को कितना करेगी, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 2,20,000। तो हमने यहाँ लिखना है 2 सेल्स अकाउंट 2,20,000। इन केस आप जनरल एंट्री बनाते तो क्या बनाते हम जनरल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट 2 सेल्स अकाउंट 2 आउटपुट CGST, आउटपुट CGST और 2 आउटपुट SGST, यही बनाते। तो ये था हमारा 2,20,000। अब 2,20,000 के ऊपर अगर आप 6% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13,200, 13,200, और ये टोटल बन जाएगा हमारा ये वाला 246,400। ये जनरल एंट्री होती। तो अब हम ये सारा अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST, कितना
13,200, 13,200। अब देखिए, अब आप जनरल एंट्री नहीं बना रहे हैं, शॉर्टकट लगा रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि कैश अकाउंट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से तीन अकाउंट थे। ये वाले थे ना अकाउंट, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ये। ठीक है, इसे रब कर दूं मैं इसे। नेक्स्ट एंट्री है स्टूडेंट्स, अप्रैल 3 की डेट में डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 2 लाख रुपीज़। कैश डिपॉजिट किया बैंक में 2 लाख रुपये। अगर आप इसकी जनरल एंट्री बनाते तो क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारा गया 2 लाख से। अब हमारा जो पेमेंट हुआ है, यहाँ पे पेमेंट हुआ है, तो हम कैश के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट अप्रैल 3। और ये है अप्रैल 2, ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है। हमने लिख दिया यहाँ पे 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और आगे चलते हैं। 3 अप्रैल की डेट में है पेड चेक टू ए क्रेडिटर ₹49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ ₹3,100। क्रेडिटर को चेक दिया है, क्रेडिटर के साथ की पेमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट है, ये वाली ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी इसमें कहीं भी अपीयर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें कहीं कैश डीलिंग है ही नहीं। क्रेडिटर को 49,900 दिया है आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज़, कैश डिस्काउंट दे ही दिया है, तो इसमें कैश की कोई खर्चा तो है ही नहीं, हमें डिस्काउंट दिया हुआ, तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, ये एंट्री इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। 4 अप्रैल की डेट में वेजेस पेड इन कैश 22,500, 22,500 ये हमने पे किए हैं, 22,500 बाय वेजेस अकाउंट, वेजेस पेड इन कैश। क्या एंट्री बनाते हैं आप, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही बनाते। तो हमने कैश के कॉरस्पॉन्डिंग वाला हमने यहाँ पे वेजेस अकाउंट लिख दिया है, डेट है 4 अप्रैल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और आगे चलें, फिर से 4 अप्रैल की डेट में है कैश सेल्स 1,80,000 प्लस CGST और SGST 6% ईच, आउट ऑफ विच 2 लैक्स वाज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन अप्रैल 7। कैश सेल बोला है टू सेल्स अकाउंट, कितनी है कैश सेल, 1,80,000। अब इसके ऊपर टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, 6%, 6% CGST, 6% SGST, 10,800 रुपीज़। अब टोटल सेल जो ये है वो ये हुई है टोटल सेल्स। अब इस सेल्स में से ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ विच 2 लैक्स वाज डिपॉजिटेड इन बैंक, टोटल सेल तो ये 2 लाख से ज़्यादा की हो गई ना, तो इसमें से 2 लाख रुपए हमने बैंक में जमा कर दिए, तो आ गया हमारा बाय बैंक अकाउंट। टू लैक्स रुपीज 7 तारीख की डेट में की है, जबकि ये सेल हुई थी हमारी 4 अप्रैल की डेट में। और आगे चलते हैं, पेड कैश ₹4,500 प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच टू ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट देयर बिल नंबर 265। कैश पे किया है, कोई बिल था ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, 4,500 रुपये का बिल था, उस पर CGST और SGST और लगा के हमने पेमेंट कर दिया, तो कैश पेमेंट कर दिया, तो हमें कंपनी के नाम से इतना मतलब नहीं है, तो हमें एक्सपेंस अकाउंट लिखना पड़ेगा कि किस तरह का ये खर्चा था। तो खर्चा ट्रांसपोर्ट कंपनी का खर्चा है, तो आप फ्रेट अकाउंट लिख सकते हो। 9 तारीख की डेट में है ये, बाय फ्रेट अकाउंट, ब्रैकेट में आपने लिखना हो तो लिख सकते हैं फॉर रेफरेंस, कि TCI का बिल था ये,
कितने का बिल था? 4,500 का। अब 4,500 पे हमने इनपुट भी लगाया है, इनपुट CGST और इनपुट SGST। 4,500 पे आप 6% लगाएंगे, 6% तो ये आता है 270 रुपीज़। क्लियर है? और आगे चलते हैं। पेड कैश फॉर विंडो क्लीनिंग सर्विसेज 2,000 रुपीज़, डिपॉजिटेड CGST एंड SGST 6% ऑन अबव। विंडो क्लीनिंग सर्विसेज, कोई सफाई का काम करवाया ऑफिस के अंदर तो क्लीनिंग वर्क लिख सकते हैं या मिसलेनियस ऑफिस वर्क लिख सकते हैं। तो हमने पेमेंट करी है ये 20 तारीख को, आप लिख सकते हैं बाय मिसलेनियस ऑफिस वर्क, मिसलेनियस ऑफिस वर्क 2,000 रुपीज़ का है काम। इस पे हमने CGST और SGST भी दिया है, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST 6%, 120 रुपीज़, 120 रुपीज़। ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गई हमारी। चलिए और आगे चलते हैं। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड को कंपनी ₹15,000 प्लस IGST 12%। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट लिखा है स्टूडेंट्स, अगेन ये ट्रांजैक्शंस क्रेडिट पे है तो फिर ये तो हम कैश बुक बना रहे हैं, इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की कोई एंट्री नहीं आएगी, इसको हम अभी यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। ये जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, हम आगे चलेंगे जो सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं हम, उसमें परचेज बुक जब बनेगी तब उसमें ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। चलिए और आगे चलते हैं। पेड कैश टू शार्प ए क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग ₹500, 9,500 पे किए हैं टू शार्प आफ्टर डिडक्टिंग ₹500 एज डिस्काउंट। डिस्काउंट का इसमें कहीं कोई एंट्री नहीं है, हमने 9,500 रुपया, हमने 10,000 देने थे, 9,500 दिए हैं यहाँ पे बाय शार्प। कौन सी डेट का है ये? 28th ऑफ अप्रैल का है। चलिए और आगे चलते हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल था कैश में दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 29th की डेट में है, बाय खर्चे का नाम लिख दीजिए क्या है, हमारा एक्सपेंस किस बात का हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने का है? 9,000 रुपीज़, हमने 9,000 रुपीज़ लिख दिया यहाँ पे। लास्ट एंट्री है 30th की, कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश ₹45,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹2,500। एक डेटर्स था जिससे हमने 45,000 लिए और डिस्काउंट भी दिया 2,500 का, तो डिस्काउंट की हमारे यहाँ कोई एंट्री नहीं है। एक एक डेटर्स था महेश, उसने कैश दिया, मैं जनरल एंट्री बता रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट करते 45,000 रुपीज़ उसने दिए है, डिस्काउंट अलाउड ये हमारा एक्सपेंस था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना दिया डिस्काउंट? 2,500 टू महेश, ये एंट्री बनती है हमारी इसकी, और ये हो जाती 47,500 की। तो अभी हम जो है सिर्फ से इसी अमाउंट को यहाँ पे दिखाएंगे, डिस्काउंट अलाउड की आप एक अलग जनरल एंट्री बनेगी इसमें, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, वो अगर जनरल एंट्री आपको बनाने को बोलें तब आपने बनानी है, अभी हमने सिर्फ से कैश अकाउंट की बनानी है, तो आप बना दीजिए टू महेश अकाउंट कितनी? 45,000 और डेट है 30th अप्रैल। क्लियर है ये? अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये रफ वर्क है हमारा सारा। हमारा कैश अकाउंट का जो टोटल है वो डेबिट साइड का हमेशा ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड से, क्योंकि जो कैश अवेलेबल है उसमें से ही तो आप खर्च करोगे, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, तो इसलिए हम कैश कॉलम का टोटल हम कर लेते हैं यहाँ पे, और यही टोटल हमारा आएगा यहाँ पे।
तो कैश कॉलम का टोटल है आप करेंगे तो 5,18,000 रुपीज़, और 5,18,000 रुपीज़ हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने इस सब का टोटल करना है, ये टोटल जो आ रहा है हमारा 4,482,80, इन सब का हम टोटल करते हैं तो डिफरेंस हो गया हमारा 69,720। दिस अमाउंट माइनस में दिस अमाउंट, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्या लिखते थे लेजर अकाउंट में, बाय बैलेंस सीडी कैरेट डाउन 69,720। और अब ये अप्रैल का था, अब ये मई का, मई फर्स्ट टू बैलेंस बीडी कितना 69,720 रुपीज़, और यहाँ पे डेट आएगी 30 अप्रैल की डेट। ये हमारा सिंपल कैश बुक का एक इलस्ट्रेशन थी। सारी एंट्रीज इसी तरह की मिलेंगी आपको, आप आराम से कर पाओगे इसको। और अब हम अगले वीडियो में डबल एंट्री कैश बुक को हम सीखेंगे, उसमें एक बैंक कॉलम और बन जाएगा, मुश्किल वो भी नहीं है, बस सिर्फ से कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, आप आराम से कर पाओगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।